धन्यवाद जो है अभयदेव शुक्ला जी। देखिए मंच जो है क्यूआई चैनल का है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें। और चूंकि आशुतोष पाठक जी से हमारी पहली मुलाकात मेरी और शुक्ला जी की जो है दिल्ली के प्रोग्राम में हुई, और महाराष्ट्र भवन में हमने, मैंने और शुक्ला जी ने सबसे पहले आशुतोष पाठक जी को सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज को रखने का आग्रह किया था। दिल्ली में जाकर हमने, और उन्होंने भरोसा भी दिलाया था, और वो वचन के पाबंद भी व्यक्ति हैं, तो उन्होंने जो मंच आज सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज को बढ़ाने के लिए दिया है और होस्ट करने के लिए मुझे दिया है, तो आभार आपकी पूरी टीम को और आशुतोष पाठक जी को। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी है, और सहारा का अगर करोड़ों जमा करता है और अपने हक और अपने भुगतान के लिए आगे आता है, तो सरकारों को झुकाया जा सकता है, सरकारों को बताया जा सकता है, और जनता से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र ही है, और प्रजातंत्र में जनता ही सरकार है और जनता ही सरकार चुनती है। मेरे साथ में, हमारे बीच में एक महिला साथी जो है सेना जहां जी, मध्य प्रदेश से जो है आती हैं, छतरपुर से आती हैं, महिलाओं का नेतृत्व अग्रिम पंक्ति में आकर करती हैं और हमेशा आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहती हैं। तो मैं चाहता हूं उनका स्वागत है कि वो भी अपनी बात रखें। स्वागत है मैडम। नीरज सर नमस्कार। लाइव में बैठे सभी पैनल पे बैठे हमारे सभी साथियों को नमस्कार, और जो लाइव देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। नीरज सर, सबसे पहले तो मैं आशुतोष सर जी का, मैं और मेरे संगठन की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैंने नीरज सर को अचानक सच्ची में जब देखा तो एकदम शॉक हो गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आशुतोष सर को मैं बारंबार धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि नीरज सर, अभी हमारे एक साथी जी ने कहा था कि देखिए कि धन बल वालों के लिए रात में भी खुल जाते हैं कोर्ट, ये बिल्कुल सत्य है। हमारे ये देश का जो न्यायालय है, न्यायपालिका है, इसको हम भली भांति इससे सहमत है, भली भांति हम इससे अवगत हैं कि ये हमारे यहाँ पे देखिए, हम 12 सालों से आखिर हमको क्या मिल रहा है न्यायपालिका से, तारीख 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 तारीख, और इस तारीख में तारीख भी नहीं मिली और सुब्रत राय का निधन भी हो गया। लेकिन अभी भी देखिए कि अभी कल परसों की तारीख थी, उसमें भी तारीख को बढ़ा दिया गया। मतलब ये क्या खेल चल रहा है तारीख और तारीख का, ये लेकिन हम मैं इतना कहूंगी कि हमको तो अब ये नया पालिका पे भी भरोसा नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा क्योंकि हम सामने देख रहे हैं उस चीज को कि न्यायपालिका आखिर न्याय कैसे कर रही है। भाई भाई ये कि धन बल वालों के लिए तो तुरंत न्याय हो जाता है, और हम गरीब पीड़ित निवेशक इतने दिनों से अपनी गुहार लगा रहे हैं, सरकार से भी लगा रहे हैं, न्यायालय में भी लगा रहे हैं और तमाम जगहों पे, लेकिन हम लोगों की नहीं सुनी जा रही। इसको लेके तो हम यही कहेंगे कि ना कि ये न्यायपालिका में भी हमको न्याय नहीं मिलने वाला है, तभी तो हमें सिर्फ तारीख और तारीख मिल रही है। दूसरी चीज सर, मैं ये कहूंगी कि हमारे संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा ने ये 27 दिसंबर को जो दिल्ली जंतर मंतर में एक निर्णायक और एक विशाल आंदोलन रखा है, इसका आगाज किया है, तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ जोड़ के, जो भी लाइव में देख रहे हैं, कि प्लीज सभी लोग साथी इसमें सहयोग करें, साथ दें और सहयोग भी करें। अगर देखिए अगर हम मैं ये कहना चाहती, इसलिए मैं सभी से निवेदन इसलिए करना चाहती हूँ कि ये आप लोग इसको अंतिम लड़ाई बनाइए और इसको आप एक अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपनी भागीदारी देकर इसको आप एक अपनी जिम्मेदारी समझिए। यकीन मानिए, अगर हम अपनी संख्या बल, इसकी ताकत अगर ना दिखा पाए, सरकार को हम इसकी ओर केंद्रित ना कर पाए, तो हम फिर मुश्किल है जो अपना पेमेंट हमें मिल पाए। इसलिए सभी से बारंबार मेरा यही कहना है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में, और जो पीड़ित लोग हैं, आखिर वैसे तो उनसे निवेदन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी निवेदन करती हूँ कि भाई वो अपने ही पैसे के लिए, अपने ही जमा धन के लिए आगे आए और इस 27 तारीख के इस आंदोलन को एक बड़ा विशाल जन आंदोलन बनाए और अंतिम आंदोलन बना दें। और ये अनिश्चितकालीन का ये जो आंदोलन है नीरज सर, इसमें हम उठेंगे नहीं, इसमें हम जब तक डटे रहेंगे, चाहे हमको पुलिस लाठी डंडे मारे, चाहे हमको जेल में डाले, चाहे कुछ भी करे, ये आंदोलन
आखिरी आंदोलन होगा और ऐतिहासिक आंदोलन होगा, इसीलिए इसकी कोई समय सीमा नहीं है, अनिश्चितकालीन का ये आंदोलन है। इसलिए सभी भाइयों से मैं फिर निवेदन करना चाहती हूँ कि वाकई में अगर अपना पेमेंट लेना है तो इसमें हिस्सेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझें, अभी भी समझें भाई, और ये हम लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़के आएंगे। और जैसा कि पोर्टल देखा आपने, पोर्टल से भी पैसा संभव नहीं है, पोर्टल से जो पैसा मिल रहा है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये हमको एक लॉलीपॉप दिया गया था, उसमें हमको ही सदस्यता हमारी दो तीन चार है, उसमें हमको ही दोषी बना दिया गया है कि ये चार कैसे हैं। इसमें गलती सहारा की है, सहारा ने वहां पूरा डाटा उपलब्ध ही नहीं कराया है, इसलिए हमको ये सारी कमियों का और इन सारी चीज परेशानियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं फिर पुनः सबसे कहूंगी कि इस 27 तारीख के आंदोलन को एक ऐतिहासिक आंदोलन में तब्दील करें और आखिरी आंदोलन अपने मन में ये सोच लें कि हमें अगर मरना ही है तो हम क्यों ना लड़ते लड़ते मरें, ताकि हमारे दिल में ये मलाल ना रहे कि हमने अपने पैसे, अपने तमाम जमाकर्ताओं के पैसे के लिए लड़ा नहीं है, लड़ी नहीं है, लड़ाई नहीं लड़ी, कुछ किया नहीं है। हमारे मन से ये सारी हमारे अंदर जो वो है ये नहीं रहेगा। इसलिए मैं सबसे फिर से निवेदन करूंगी कि सभी लोग 27 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर अवश्य पहुंचे। मेरा सर, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं, नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलता पूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।